क्या आप में से कोई ऐसा है जिसके पास घृत उपलब्ध हो? ऋषिवर, जब से हम लोग वन में भटक रहे हैं, घी और दूध बनाना तो असंभव हो गया है। किंतु इस यज्ञ की पूर्ण आहुति घृत के बिना संभव नहीं है। ये लीजिए ऋषिवर। काना, तुझे ये घी कहाँ से प्राप्त हुआ? किंतु कृष्णा, इसमें घृत नहीं, माखन है। मुनिवर, घी माखन में ही से तो प्राप्त होता है। तो आज अग्निदेव को घी के स्थान पर माखन खिलाएंगे। जैसी प्रभु की इच्छा। कृष्णा, अनुष्ठान की पूर्णाहुति के लिए यज्ञ वेदी में संपूर्ण माखन अर्पित कर दो। ओम अग्ने नमः। नारायण नारायण, उत्तम, अति उत्तम। प्रभु आप धन्य हैं, आपकी लीला परंपार है। प्रभु आपकी लीला परंपार है। जिसकी तर्पण स्वयं आपके हाथों संपन्न हो, उसे मुक्ति मिलना निश्चित है। प्रभु निश्चित है। तर्पण और श्राद्ध कर्म संपन्न हो गया। सभी गोकुलवासियों, आप सबका संकट समाप्त हो चुका है। उस प्रेत आत्मा को मुक्ति मिल गई है। ऋषि गर्ग मुनि की जय। ऋषि गर्ग मुनि की जय। ऋषि गर्ग मुनि की जय। नंदराज, ये विपत्ति भी समाप्त हुई, किंतु कब तक हम सब इस प्रकार विपत्तियों से जूझते रहेंगे? गोकुल में रहना अब कदापि भी सुरक्षित नहीं रह गया है। आखिर कब तक हम सब ये दानवों और बुरी आत्माओं से लड़ते रहेंगे? मेरा सोचना है कि हम सबको गोकुल को पूर्णतः छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान में चलना चाहिए। तुम बिल्कुल उचित कह रहे हो उपनंद। गोकुलवासियों, अब हम गोकुल की और दुर्दशा नहीं देख सकते। अब हमें ये ग्राम छोड़कर सुरक्षित स्थान की ओर प्रस्थान करना होगा। हम सब वृंदावन जाएंगे। क्या हुआ कान्हा, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो? नियति दाऊ, मैं नियति पर मुस्कुरा रहा हूँ।